महावीर जयंती और गुरु सुदर्शन जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में जैन कॉन्फ्रेंस दिल्ली प्रदेश की ओर से सावरिया सेठ टेंट, जापानी पार्क, रोहिणी सेक्टर 10 में भव्य भक्ति संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें न सिर्फ दिल्ली बल्कि हरियाणा से भी आकर लोगों ने हिस्सा लिया और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। आपको बता दें कि कार्यक्रम में कई स्कूली छात्रों ने भगवान महावीर स्वामी और गुरुदेव सुदर्शन लाल जी महाराज की याद में भजन और नृत्य प्रस्तुत किए। साथ ही आजकल सोशल मीडिया के बढ़ते प्रचलन को एक नाटक के माध्यम से दर्शाया और उसके फायदे और नुकसान भी बताए, जिसने सभा में उपस्थित सभी लोगों को जागरूक करने का काम किया। वही कार्यक्रम में आए हुए सभी प्रतिष्ठित एवं सम्मानित अतिथियों का पटके एवं माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया, जिसके उपरांत जैन समाज के सुप्रसिद्ध भजन गायक रूपेश जैन ने सभी के समक्ष गुरुदेव सुदर्शन लाल जी महाराज के भजनों की झड़ी लगाई, जिससे लोग भक्ति के रंग में सराबोर नजर आए। भगवान महावीर हमारी आस्था के प्रतीक हैं, करुणा के अवतार हैं, पूरा विश्व उनके अहिंसा के संदेश को मानता है। और भगवान महावीर जन्म कल्याणक का ये पावन प्रसंग था, उसी पर दिल्ली जैन कॉन्फ्रेंस ने ये कार्यक्रम आयोजित किया भक्ति संध्या का। और साथ में हमारे गुरु सुदर्शन लाल जी महाराज साहब, उनका जन्म शताब्दी वर्ष का समापन समय था, तो उस कार्यक्रम के तहत ये सारा कार्यक्रम हुआ। तो श्रद्धाओं का सैलाब, जैन दर्शन को मानने वाले पूरी दिल्ली और पूरे उत्तर भारत से उमड़े। और आप देखा कि आज छोटे से छोटे स्थान पर भी सीटें खाली रह जाती हैं, और यहाँ मतलब इतना बड़ा पंडाल, 1500 की सीटिंग, उसके बाद भी गद्दे लगाकर सर को चलता रहा। ये बहुत ही सुंदर एक कार्यक्रम था। और रुपेश जी, जो भजन सम्राट रुपेश जी हैं, उनके भक्ति संगीत का भी एक आकर्षण था लोगों में, और उस आकर्षण से भी यहाँ पर बहुत श्रद्धाओं के साथ लोग बाग आए। भगवान महावीर जन्म जयंती 2619वां जन्म कल्याणक महोत्सव आज जैन कॉन्फ्रेंस दिल्ली प्रदेश एक सामूहिक संगम रूप में बना रहा है, जिसमें गुरु सुदर्शन जन्म शताब्दी वर्ष का समापन, गुरु हेमचंद जी महाराज साहब उपाध्याय परवर का जन्म शताब्दी वर्ष भी बना रहा है। जैन कॉन्फ्रेंस का सबसे बड़ा आज तक का एक ऐतिहासिक दिवस है, जिसके अंदर भगवान महावीर की जन्म जयंती तो साथ साथ सुदर्शन जी महाराज साहब, हेमचंद जी महाराज साहब, भगवान महावीर का अहिंसा, त्याग और संयम का जो संदेश है वो आज हमने जन जन तक पहुँचाया है। जैन कॉन्फ्रेंस का यही माध्यम है कि पूरे जैन परिवार, पूरे भारत के हों, दिल्ली के हों, सब जगह भगवान अहिंसा, महावीर का संदेश हर घर घर तक पहुँचे। 32 आगम की जो वाणी है, जो गुरुओं से हमें मिल रही है, वो हर घर तक पहुँचे। जियो और जीने दो का जो अहिंसा का संदेश है, जो केवल जैन परिवारों के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए, ये बात पूरे विश्व को समझनी है, जो आज के समय के लिए सबसे जरूरी है। हम शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। शताब्दी वर्ष मनाना सिर्फ ये नहीं है कि जैनियों में एक साधु हुए और उनका हमने शताब्दी वर्ष मनाना है। शताब्दी वर्ष मनाने का संदर्भ ये रहा कि उनके जीवन से हम कुछ सीखें। आज युवा पीढ़ी में कई ऐसी बड़ी बड़ी विशेष गंभीर समस्याएं हैं। अगर आप देखें, सबसे पहले नशे की, आज से 3 दिन पहले एक हमने आयोजन भी रखा था, जैसे पूरा सप्ताह चल रहा है, अलग अलग दिन में अलग अलग आयोजन रखे गए। 3 दिन पहले जो आयोजन रखा वो नशा मुक्ति से ओरिएंटेड, उससे प्रभावित करके रखा गया, और युवाओं के संदर्भ में कई ऐसी चीजें थी जिसमें कि उसमें हमने शपथ दिलवाई कि युवा आगे से इस तरह के नशे में ना पड़ के और उससे दूर रहे। सिर्फ नशे से दूर ना रहकर बल्कि एक हमारे धर्म में युवाओं के लिए कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो डेली बेसिस पे सामायिक संवर और तप तपस्या की रहती हैं, उसे हम बोलते हैं 12 व्रत, श्रावक के 12 व्रत और 14 नियम। उन 14 नियम और 12 व्रतों की भी एक अलग से, यानी कि आज के दिन ही वो हुआ है आयोजन, और उसमें हमने शपथ दिलवाई कि जितने भी युवा पीढ़ी के लोग हैं, देखिए जो बुजुर्ग हैं, जो कि अपना जीवन जी चुके हैं काफी हद तक, उनके लिए तो ये ऐसी चीजें हैं कि वो रोजमर्रा कर सकते हैं, पर युवाओं को जब तक इसकी नींव नहीं पड़ेगी वो आने वाले समय में क्या करेंगे। तो उनके लिए आज वो दिन था जिसमें सिर्फ नशा तो हमने 3 दिन पहले छुड़वाया मान लो, और आज वो दिन था कि वो शपथ दिलवाई कि शुरू करें और धर्म की तरफ बढ़ें। बहुत ही हर्ष का विषय है कि यहाँ रोहिणी के जापानीज पार्क में
सांवरिया सेफ टेंट में आज हमारा जो ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस है वो भगवान महावीर जो जन्म कल्याणक महोत्सव आज मनाया जा रहा है। और आज यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं है, इतना यहाँ पर सभी जो श्रावक है वो दूर दूर से, पूरी दिल्ली से नहीं बल्कि हरियाणा से भी सब देखने के लिए यहाँ पर और सुनने के लिए, क्योंकि जो गुरु सुदर्शन जी हैं उनकी जन्म शताब्दी जो वर्ष है वो चल रहा है और उसका जो समापन है वो अभी वो जो समापन सप्ताह है वो आज मनाया जा रहा है यहाँ पर। और मैं सभी जितने भी यहाँ पर आए हुए हैं श्रावकगण, धर्म बंधु, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ अपनी तरफ से। जैन समाज आप देख रहे हैं कि कभी भी किसी भी एक कीड़ी को भी बचाने की कोशिश करते हैं और हर धर्म को आगे लेके चलते हैं। माननीय अपने गुरुदेव सुदर्शन जी की शताब्दी पर आप देख रहे हैं कि आप इधर एक बार दिखाएंगे तो बच्चों ने कितनी सुंदर पेंटिंग के माध्यम से यह संदेश देना चाहा है कि आप सभी देशवासियों को यह संदेश देना चाहा है कि हर देशवासी जैसे गुरुदेव संदेश देते थे लोगों को इसके माध्यम से, वैसे ही सभी देशवासी हर सब एक इकट्ठे होके अपने किसी के प्रति भेद भाव ना रख के सबको एक रहना चाहिए और अपने जैन समाज जैसे ब्लड कैंप वगैरह लगाता है या और बड़े बड़े जितने भी कार्य करते हैं देश के प्रति, समाज के प्रति, ऐसे ही सब ने एक एकत्रित होकर यह समाज के प्रति इकट्ठा रहना चाहिए और ऐसे ही धर्म के कार्यों में आगे बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। इतने बड़े मंच पर किसी भी कलाकार को आने का अवसर मिले उसके लिए सौभाग्य की बात है। दूसरी बात यह है कि सुदर्शन लाल जी गुरुदेव का जीवन मैंने थोड़ा सा उनको जो जाना है पढ़ा है तो मैं बहुत फैसिनेट होता हूँ उनसे, और आज उन्हीं का जीवन चरित्र गाने का अवसर मिला तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात थी। बहुत आनंद आया और लोगों ने जिस प्रतिक्रिया के साथ सुना वो मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात। जी प्रेरणा से प्रोग्राम चल रहा है, ये गुरु मुझे के बहुत आभारी है और इनसे मेरे को शिक्षा मिलेगी। इसके अलावा ये पेंटिंग यहाँ लगी है, इससे भी बच्चों को काफी देखने को समझने को मिलेगा। और यहाँ जो महावीर जयंती पर ऑल इंडिया गवर्नमेंट के अध्यक्ष जितेंद्र जी, दिनेश जी वगैरह जो प्रोग्राम बनाया है उनके भी हम धन्यवाद करते हैं। मेरा तो एक ही संदेश है जो हमारे महावीर स्वामी जी ने समाज को सुधारने के लिए जो संदेश दिए हैं उनका पालन करें, अहिंसा परमो धर्म। जय जिनेंद्र जी।